तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के दरमियान ऐवान असम्बली में ज़बरदस्त बहस हुई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपने कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की है और उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़ा किए। उन्होंने कहा, आप मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करते हैं लेकिन हकीकत में आप ही मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं जीतने देते। पार्टनर है वो सरकार से अलग नहीं है, बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और बीआरएस, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे, वो और ए 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में आप जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते, वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारे जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले सो वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदू पे उनको वोट डाले, जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए, क्या ओल्ड सिटी में जितने भी 7 MLA जीत कर आए हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को, ये बात कहना चाहता है? ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है, सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए, आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे, भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे, ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो, नहीं 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 सर, सर आपको आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना तब उनके बात वो रख सकता है, लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर, सर सर वही सच है तो सर सर अगर 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 वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामा रेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव वहां कामा रेड्डी से चुनाव लड़ा साहब, इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल, अकबर साहब आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप भाई, और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब आप हाउस को आगे में रखो सर, बैठिए आप हाउस को आगे में रखो सर, बाद में जो बोल रहे हैं बोलने दो, लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ, आप बैठिए सर, बैठिए मैं देता हूँ आप अकबर साहब स्पीकर सर, स्पीकर सर बैठिए, स्पीकर सर अगर ये मामला आप बैठिए, हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है, वो दलित है, दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर, ये देख कर एमआईएम सोच कर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ, हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्धिपेटा डिविजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिविजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस, स्पीकर सर विद्युत सरबराह
बिल्लुलो वसूलुलो ई रोजु सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अकसाम के मलबूसात, बुरके, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अकसाम की अशियाए जरूरिया, जैतून, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आए सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राबता करें 9951385112।